आप देख रहे हैं KSN 24, पल पल की खबर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक के सीमा से लगे कोरबा में बीते कई दिनों से रोजाना कोरोना का नया नया मामला सामने आ रहा है, जिससे कोरबा जिले के कटघोरा को छत्तीसगढ़ का हॉटस्पॉट कहा जा रहा है। ऐसे में पुलिस विश्वव्यापी महामारी कोरोना जिले में नहीं फैले, इसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है। करीब दर्जनों पुलिसकर्मी पूरे सीमा पर सड़क पर आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। लॉकडाउन में कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले, इसका प्रयास हो रहा है। पुलिस भूखे प्यासे सड़क पर है। चिलचिलाती धूप में चौक चौराहों पर न तो इनके लिए पीने का पानी है और न ही खाने की कोई व्यवस्था। ऐसा नहीं है कि इनको कोरोना नहीं पकड़ेगा, परिवार इनका भी है, इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो उनका घर लौटने का इंतजार करते रहते हैं। उन नौजवानों का कहना है कि हमें अपने परिवार व अपने स्वयं का चिंता नहीं है, बल्कि जिले के उन तमाम लोगों का चिंता है जो कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। पिछले 3 दिनों से कई पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो अपने घर तक नहीं गए हैं। यह स्थिति फिलहाल 14 अप्रैल तक रहेगी। जरूरत पड़ने पर इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। पुलिसकर्मी सिर्फ शहर ही नहीं गांव में भी लॉकडाउन को सफल बनाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्हें पता है अगर पुलिस थोड़ी सी ढील देगी तो लोग सड़क पर आ जाएंगे। लॉकडाउन में कुछ लोग जानबूझकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी उन्हें रोकते हैं और समझा बुझा कर वहां से वापस भेज देते हैं। पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आया है। पुलिस ने कई बेसहारा व्यक्तियों की मदद की और भूखों को खाना खिलाया। खुद को भोजन मिले या ना मिले, पर गरीबों को भोजन कराने में पुलिस के जवान हमेशा तत्पर रहते हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक व पंतोरा जो कि सीमा से लगा हुआ है, जो कि बिलासपुर रायपुर का मुख्य मार्ग है, तो वहीं सीमा से लगे होने के कारण कोरबा मार्ग से बिलासपुर रायपुर के लिए कोरबा के कुछ लोगों के द्वारा बड़ी संख्या में आवागमन होते रहता है, जिससे प्रशासन और भी सख्ती में है। वाकई उन जवानों के उन जज्बा को सलाम है जो कड़ी मेहनत कर अपने जिले को सुरक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिनके बदौलत हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज नौजवानों की मेहनत और बुलंद हौसले से जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं आया है। जी सर, बताएंगे अभी जो 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है, क्या उसको लेकर के यहाँ पर जो लोग हैं अभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अभी? तो लॉकडाउन का पालन तो कर रहे हैं, है ना, और जैसा आदेश आ रहा है अधिकारियों का, उनके आदेश के अनुसार हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं और पहले की अपेक्षा सुधार हो रहा है। जो पहले घूमते थे अनर्गल इधर उधर लड़के, वो लोग नहीं घूम रहे हैं अभी। सर, पहले की अपेक्षा अब आप लोगों को कितना मेहनत करना पड़ रहा है, चूंकि जो जनता है उनको सख्त निर्देश दिया गया कि अब लॉकडाउन की वजह से आप अपने घरों में रहें, लेकिन आप लोग जो सर अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए आज जनताओं के लिए आज आप लोग ये चेक पॉइंट में खड़े हैं, सर उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जी जी, पहले की अपेक्षा तो ठीक है, लेकिन शुरू से हम लोगों को मेहनत करना पड़ रहा है ना। हम लोग भी बाल बच्चों को छोड़ के यहाँ आए हैं, तो दिक्कत तो हो रही है इसमें। सर ये बताएंगे, कल ही मुख्यमंत्री जी का एक आदेश आया है कि अब अगर कोई भी सार्वजनिक स्थानों में अगर घूमता है तो उनको मास्क लगाना अनिवार्य है। क्या आप लोग अभी यहाँ पर जो चेक पॉइंट में आप लोग जो चेकिंग कर रहे हैं उसमें जो लोग मास्क नहीं लगाए उनके ऊपर आप लोग के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी तो फिलहाल ज्यादा से ज्यादा मास्क लगा रहे हैं, जो आदेश निर्देश का लोग पालन भी कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, और अनपढ़ लोगों को हम लोग समझाइश भी दे रहे हैं कि मास्क लगा के चलें करके, अन्यथा कार्रवाई होगी। KSN 24 न्यूज के लिए जांजगीर से राम नगारची की रिपोर्ट।